करहल विधानसभा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। करहल विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हमने बैठ करके वार्ता की, साथ ही स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से बात की है और जो भी डेवलपमेंट की योजनाएं जो राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वह पूरी तरह से बड़े प्रोजेक्ट समयबद्ध ढंग से पूरा करें। अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए, अस्पताल में आए मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें, ऐसा हमने निर्देश दिया है। देखिए, करहल विधानसभा उपचुनाव की आज कार्यकर्ताओं के साथ हम बैठ करके बात करेंगे। हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की भी समीक्षा की है, जिलाधिकारी से भी बात किया है कि यहाँ के डेवलपमेंट की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो शीघ्र से शीघ्र पूरी हों, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको तत्काल हम समयबद्ध ढंग से पूरा करें, अस्पतालों में दवाइयाँ उपलब्ध हों, बाहर से दवाई बिल्कुल न लिखी जाए और हर स्थिति में अस्पताल में आए मरीज की हम भगवान मान करके सेवा करें, ऐसा हमने निर्देश आज सभी अपने क्या रणनीति रहेगी जीत की। देखिए, करहल का विधानसभा का जो उपचुनाव है भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। आज हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके मंथन करने वाले हैं, बूथवार हम लोग रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग कार्य योजना बनाएंगे। पहली बार आप आए थे तो ये आपने आश्वासन दिया था कि लखनऊ पहुंचने के बाद एक सप्ताह के अंदर कैंसर यूनिट प्रारंभ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, ताला लगा हुआ है। आज हमने बात किया है, आप वेट करिए। सर अभी लोकसभा, देखिए बहुत ही दुखद है और चूंकि मामला केंद्र सरकार के अधीन है और केंद्र सरकार इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है उच्च स्तर पर इसमें हो रहा है। सर अभी लोकसभा चुनाव हुआ, 444 बूथ थे करहल में, हमारा गढ़ है जी, करहल समाजवादी पार्टी कहती है हमारा गढ़ है और इस गढ़ को आप कैसे खत्म कर पाएंगे। देखिए आप जानते हैं कि लोकसभा, देखिए मैनपुरी में हुआ, गढ़ सारे समाप्त हो चुके हैं, देश की आजादी के बाद अब जनता का ही गढ़ होता है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो चुन करके जाए। डिप्टी सीएम सर कुछ चुपते हुए सवाल हैं, 444 यहाँ करहल में बूथ थे, 179 पर यहाँ थोड़ा इंतजार करो, अभी तो घोषित नहीं हुआ। जेवी हेल्थ केयर अब रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ईसीजी मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।